नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉर्न ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, अमनदीप जी, जिन्होंने खरीदी है टाटा नेक्सॉन की XMS, 1500 किलोमीटर चला चुके हैं और इन्हें बहुत कुछ कहना है। कैसे भाई जी? बिल्कुल ठीक है अमित जी, आप कैसे हैं? तो इनकी जो पूरी कहानी कहेंगे ना, गाड़ी के अंदर बैठ के कहेंगे, तो बाहर खड़े होकर कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो अमनदीप जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक और कितने खुश है अपनी गाड़ी से, क्योंकि ये पहली सर्विस भी करवा चुके हैं। तो चलिए अमनदीप जी, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, आइए बैठ जाइए। चलिए तो मैं अमनदीप गुलाटी जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूं और ये द्वारका से आए हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, आप कैसे हैं अमित जी? बहुत बढ़िया। तो ये नेक्सॉन का जो ये पूरा आपने क्यों चूज किया, पहले ये सवाल रहेगा। सर, नेक्सॉन चूज करने का रीज़न था कि मैं पहले चला रहा था 2011 से लेकर अब तक i10। अच्छा। i10 थी मेरे पास और 11 साल मैंने i10 चलाई है। और उसके बाद अब मेरा जो गाड़ी चेंज करने का मूड था, तो मैं शिफ्ट करना चाह रहा था थोड़ी बड़ी गाड़ी में, क्योंकि i10 से ऊपर फिर अब आप देख रहे हैं कि आज की मार्केट में आजकल लोग जो हैं इंडियन मार्केट में एक थोड़ा अच्छा ट्रेंड ये चल गया है कि लोग कॉम्पैक्ट SUV पे ज़्यादा शिफ्ट करते हैं, हैचबैक लेते लेते कॉम्पैक्ट SUV में आ जाते हैं। अच्छा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं एक प्लान बना के चलिए ठीक है इसको चेंज करते हैं अब। और कुछ दो तीन गाड़ियाँ थी जो मेरे दिमाग में थी, जैसे नेक्सॉन थी, फिर उसके बाद XUV300 थी, और उसके अलावा वेन्यू थी, मैग्नाइट थी। तो ये गाड़ियाँ मेरे माइंड में थी कि मुझे देखनी है, और मैं फिर एक एक करके, सबसे पहले मैं मैग्नाइट के लिए गया वहाँ पे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि मैग्नाइट अगर मुझे जो ठीक ठाक मॉडल है वो इसी प्राइस में मिल रहा है, तो मेरे घर में ऑलरेडी मेरे जीजाजी के पास नेक्सॉन थी जिसकी मैं बिल्ड क्वालिटी और ये सब ड्यूरेबिलिटी वगैरह देख चुका था। 3 साल से वो चला रहे हैं, वो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, और पोस्ट फेसलिफ्ट जो वर्जन ये वाला है इसकी लुक और उन्होंने एनहेंस कर दी और अच्छी कर दी थी। अच्छा। तो फिर मैग्नाइट के बाद मैं किया पे भी गया सोनेट के लिए। सोनेट थोड़ी आउट ऑफ बजट जा रही थी, जो उनकी 10 लाख से नीचे का वर्जन है वो वैसा था कि उसमें कुछ खास फीचर्स या कुछ वैसा नहीं आ रहा था, और उसी चीज़ रेटिंग ऑब्वियसली उनकी 3 point something आई है। तो फिर कहीं ना कहीं माइंड सेफ्टी की तरफ जाता है, तो फिर नेक्सॉन ही माइंड में रही कि नेक्सॉन को ही देखते हैं। फिर वहाँ पे गए तो डील अच्छी मिल गई और फाइनली फिर ये वाला वेरिएंट क्यों लिया आपने? वेरिएंट का भी है कि मैं XM लेना चाहता था, और मुझे ये था कि मैं XM ले लूँ, लेकिन घर पे फैमिली के साथ बच्चों के साथ जब बात होती है तो आपको पता है कि सनरूफ का थोड़ा सा क्रेज रहता है, तो वाइफ ने भी बच्चों ने भी बोला कि सनरूफ वाला लेते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 40-50 हज़ार का फर्क था। अच्छा। तो उसलिए फिर हमने फिर XMS लिया। तो एग्जैक्टली कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? ये मुझे ऑन रोड पड़ी है 9.65। 9.65 लाख। और इस गाड़ी में देख रहा हूँ आपने बहुत सारा काम करवाया हुआ है, क्या क्या काम करवाया है इसमें? काफ़ी लंबी लिस्ट है। जैसे सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक डिफ्यूज़र इसमें लगवाया है। अच्छा। उसके अलावा मैंने इसके जो बल्ब्स हैं वो अपग्रेड करवाए हैं, लाइटिंग अपग्रेड कराई, क्योंकि मुझे सबसे फर्स्ट चीज़ जो इसकी अच्छी नहीं लगी थी वो था इसके जो आउटपुट था लाइट्स का। अच्छा। वो मैंने HID लो बीम में और LED हाई बीम में चेंज करवाया, फॉग लैंप्स लगवाए, फिर मैंने इसमें डैम्पिंग करवाई डोर्स में, हालांकि इसके डोर्स ऑलरेडी काफ़ी हैवी हैं, फिर भी एक सिंगल लेयर डैम्पिंग करवाई है। प्लस मैंने इसमें जो है अपना टच स्क्रीन लगवाया, जो बेसिक आता है वो आपका वैसे वाला आता है, छोटा वाला आता है जिसमें वो टच स्क्रीन नहीं होता है। अच्छा। इसके ऊपर जो XZ या XZ प्लस आता है उसमें टच स्क्रीन आता है। अच्छा। तो फिर मैंने इसमें टच स्क्रीन लगवाया, एक अंडर सीट वूफर लगवाया, फ्रंट कैमरा लगवाया, बैक कैमरा लगवाया। ओके। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। हाँ। दिखा दूंगा इसको मैं। ठीक। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा लगवाया, और फिर उसके अलावा मैंने यही चीजें हैं जो लगवाई हैं। तो सर, जब आप ये सब लगवा रहे थे, कहीं आपसे डर नहीं लगा कहीं से कि भैया वारंटी वगैरह ना खत्म हो जाए? हाँ, वारंटी आपने बात किया था इससे पहले? हाँ, मैंने इससे पहले बात की थी, और मुझे ये था कि वायर कटिंग वगैरह कहीं नहीं हो, जहाँ पे कपलर टू कपलर हो या प्लग एंड प्ले सॉर्ट ऑफ चीजें हो,
तो जहाँ से भी मैंने काम करवाया है एक ही जगह से, वहाँ से मैंने सबसे पहले यही बोला, और वो नेक्सॉन का ही ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि आपकी वारंटी जो है वॉइड नहीं होगी। दूसरा, मैंने शोरूम पे भी जब सेल्समैन से बात की तो उन्होंने यही बोला कि सर वारंटी, अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक चीज़ों में आप किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वारंटी वॉइड नहीं होगी। कितना खर्चा किया था आपने इस पे सब पर? सर ये सारा मिला के मुझे एक के आसपास पड़ गया। अभी सीट कवर्स नहीं है, सीट कवर्स अभी करवाने हैं, तो उसमें मुझे एक के आसपास लग गया। आपने तो ऐसी चीजें करवाई जो शायद कंपनी भी नहीं सोचेगी। अलग लेवल पे दिख रहा है, आप दोनों व्यू ले रहे हो एक साथ ही, फ्रंट और रियर जी, तो ये अच्छा लग रहा है। इसमें कितने किलोमीटर तक चला चुके हो आप इसे? मैं इसे 1500 के करीब, फर्स्ट सर्विस मेरी आज ही हुई है, 1500 किलोमीटर चला चुके। लोग नेक्सॉन पेट्रोल का माइलेज जाना चाहते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है क्योंकि आप सिटी में चला रहे हो ज्यादा? सर अभी ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका माइलेज। हाँ, मैं इसको हाईवे पे जब भी लेके गया हूँ तो मुझे इसको 16-17 के आसपास, 15-16 ऐसे 17 के आसपास मिला है, लेकिन सिटी में कुछ खास नहीं है। हालांकि इसके जो ड्राइविंग मोड है वो मेरा कांस्टेंट सिटी रहता है, मैं इसको ना तो इको पे ना स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स पे हाँ जब भी आपका मूड अच्छा हो, कभी आपको खाली रोड मिले भगाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पे, अदरवाइज सिटी ट्रैफिक में सिटी मोड पे ये मुझे 11-12 से ऊपर नहीं दे रही है। तो इससे तो लग रहा है कि आप निराश हुए हो थोड़ा? निराश हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, जहाँ पे मैंने पहले रिव्यूज देखे थे वीडियोस में तो लोग बताते हैं 15-17-20-22, वो अभी नहीं है। आज मैंने सर्विस के टाइम पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सेल्स थे सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात की तो उन्होंने बोला सर थर्ड सर्विस के बाद आप इस बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा, फर्स्ट और सेकंड सर्विस अभी माइलेज जो है वो आपकी 15 के आसपास ही रहेगी। मैंने बोला 15 तो अभी नहीं मिल रही है, 15 से थोड़ी कम ही है, डिपेंड करता है आप कहाँ चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं तो फिर एवरेज क्या ही मिलेगी। सही, अभी मेरे ज़्यादा सिटी ट्रैफिक ही रहता है। इंजन कैसा लग रहा है? काफ़ी पेपी लगता है आपको या लगता है कि कुछ और गुंजाइश है इसमें? अभी रिफाइनमेंट की गुंजाइश ऑब्वियसली टाटा की गाड़ियों में है, ये तो नो डाउट, इसमें कोई बात करते करते यूटर्न भी ले लीजिएगा जी। तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाटा को अभी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, बट क्यों कार्स जो है अभी टाटा की पसंद की जा रही हैं वो उसका भी रीज़न आप जानते हैं, सब जानते हैं कि वो सेफ्टी और जो सिक्योरिटी मेजर्स जो गाड़ियों में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आजकल ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई है। रिफाइनमेंट भी ऑब्वियसली पहले से, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया मेरे जीजाजी के पास प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, अगर आप उसके कैबिन में देखेंगे तो बहुत नॉइज़ आती है, साउंड इंजन साउंड काफ़ी है, लेकिन इस गाड़ी में अगर अभी आप फील कर रहे होंगे तो कंपैरेटिवली साउंड में काफ़ी रिड्यूस किया है उन्होंने, मतलब कैबिन साउंड काफ़ी कम हो गया है, नॉइस जो है वो काफ़ी कम हो गया है, और अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है, आपको लगता नहीं कि 5 तक कर दे के छोड़ देते ज़्यादा अच्छा रहता? मुझे कई बार ऐसा लगा, लेकिन जैसे अब मैं सिटी में चलाता हूँ तो 4 के ऊपर 5वें की भी जरूरत नहीं पड़ती है कई बार तो। अच्छा अच्छा, इसकी पावर की बात करें तो गाड़ी अगर कई बार जैसे मैं पीछे लेके गया था सोना रोड पे, तो वहाँ पर 100 पे चल रही है और 4th पे चल रही है। अच्छा। वो जब मुझे फील हुआ, मुझे फील गाड़ी से नहीं हुआ, जब मैंने ऑब्जर्व किया कि यार अभी तो 4th के बजाय 5th पे डाल देना चाहिए क्योंकि अब 100 से ऊपर पहुँच गए, तब मैंने डाला, मतलब गाड़ी नहीं मांग रही थी। अच्छा। इसका इंजन 4th गियर पे मुझे सफिशिएंट लग रहा था, अगर 100 पे भी चल रही है मतलब जो मिल जाए उसी पे खुश रहती है। हाँ, मतलब अच्छा उसका पावर अच्छा है गाड़ी का कि 4th गियर में 100 की स्पीड पे भी वो मांग नहीं रही है कि भैया गियर चेंज करो मुझे ज़रूरत है अभी, और 6 की तो खैर अभी तक बहुत रेयर कभी 6 गियर डला है। कंफर्ट की बात करें तो आप कितने कंफर्टेबल हो? कंफर्ट सर थोड़े से सिर्फ आप, क्योंकि आपके हिसाब से कंफर्ट बताइएगा, और आपने परिवार में लोगों को बिठाया होगा रियर सीट पे, उसके हिसाब से कंफर्ट बताइएगा, और डिक्की में कितनी जगह मिल रही है बूट में वो भी एक्सप्लेन करिएगा एक ही बार जी। जो डिक्की कंफर्ट की बात करते हैं पहले, कंफर्ट में मुझे थोड़े से स्टिफ लगता है इसका सस्पेंशन, थोड़ा सस्पेंशन स्टिफ है, बट ठीक है, तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो थोड़ा स्टिफ रहेगा, बाकी बॉडी रोल भी है इसमें गाड़ी में, थोड़ा सा जब गाड़ी कर्व लेती है तो बॉडी रोल होता है, वैसे कंफर्टेबल है, काफ़ी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन अच्छे हैं, पीछे बैठे वाले को ज़्यादा फील होता है कंफर्ट, और उसको जैसे मेरी वाइफ का भी, मेरा एक छोटा बेटा है जो 2 साल का है सिर्फ, उसको लेके जनरली वो पीछे ही बैठती है, तो वो उनको उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो उसको काफ़ी कम्फर्ट लगता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, और कंपेयर टू अगर मैं i10 की बात करूँ तो, क्योंकि मेरे पास पहले i10 थी तो मैं उसी से कंपेयर कर सकता हूँ, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और अगर बूट की बात करें, आपने कोई लंबा सफ़र तय किया हो जहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई लंबा सफ़र तय नहीं किया है, लेकिन हाँ बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, 350 लीटर्स का बूट स्पेस है मुझे काफ़ी, और XUV300
इसको ज़्यादा प्रेफर ना करना, और इसको करने का रीज़न भी ये भी था कि XUV 300 में बूट स्पेस आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, जबकि इसमें आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। तो इसमें ठीक है, मतलब बूट स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी का अगर कूलिंग की बात करें तो आपको कितने? कूलिंग बहुत अच्छी है, कूलिंग अभी मैंने सेप्टेम्बर में ली थी तो अच्छी खासी गर्मी थी, और फर्स्ट पे ही चलता है, सेकंड पे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है, कूलिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस पे आपने कितना पैसा खर्च किया? पहली सर्विस फ्री होती है? पहली सर्विस फ्री है, कोई पैसा नहीं लगाया बिल्कुल। अच्छा, कोई और बड़ा काम हुआ अभी तक? नहीं कुछ, कोई 1500 किलोमीटर मेरे कई बार लोग जो है इधर उधर गाड़ी शुरू करते हैं तो कहीं लग लुग आ जाती है। नहीं मैं इस बार कुछ, क्योंकि जब मेरी मैंने i10 ली थी तो मेरे जल्दी स्क्रैच वगैरह पड़ गए थे, उस टाइम गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, और इस बार थोड़ा मैं आराम से प्यार से चला रहा हूँ। वो दिख भी रहा है क्योंकि एक्सटीरियर में आपने बहुत कुछ काम करवा रखा है। हाँ, और मैं देख पा रहे होंगे मेरे दर्शक, उनको मैं दिखा भी दूंगा तो देख लेंगे, अच्छे से आपकी गाड़ी का दीदार कर लेंगे जी। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है सर, कि आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स चेंज हो रही है लोगों के दिमाग में, और जो उनको चाहिए, लोगों को जो ग्राहकों को चाहिए, क्या वो मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं मुझे लगता है कि अभी कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे टाटा मोटर्स ने अच्छा ग्रो किया है, चेंजेस लाए हैं, और कई ऐसे सेक्शंस अभी भी हैं, कई जगह ऐसी भी जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ तो वो एक के बाद एक अच्छी उतार रहे हैं, नो डाउट। अभी पंच आई है तो पंच ने सिक्योरिटी मेजर्स में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, नेक्सॉन भी अपने आप में सिक्योरिटी में 5-star रेटेड गाड़ी है, हैरियर अच्छी गाड़ी है इनकी, एल्ट्रोज को भी 5-star है, मतलब गाड़ियाँ तो अच्छी दे रहे हैं, बट उस लेवल की सर्विस जो नेटवर्क है, सर्विस जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ तक अभी मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट सर्विस में इतना बुरा नहीं रहा है, बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो लोग कंप्लेन करते हैं टाटा की सर्विस को लेके, कि अगर कोई कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो शायद इजीली रिजॉल्व किए जा सकते हैं, या मेट्रो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर उनके पास वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, तो कई बार छोटे इश्यूज के भी लिए भी बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जाता है, बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। अच्छा, आपकी खुशी में, क्योंकि आप नेक्सॉन से काफ़ी खुश दिख रहे हो, यहाँ पर कौन सी वो बातें थी जिसने आपको निराश किया? कौन सी वो बातें थी? अभी हाँ, मुझे जब आप खरीद रहे थे तब से लेकर अब तक, मेरी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द कार, उस टाइम मेरी थोड़ी सी एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स के साथ अच्छा नहीं रहा। वो कुछ अलग इश्यूज हैं जो उस टाइम रेज किए गए, मुझे काफ़ी हायर मैनेजमेंट तक जाना पड़ा उन इश्यूज के लिए, तब जाके वो रिजॉल्व हुए। अदरवाइज गाड़ी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे कार से अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि मुझे लगा हो कि रिग्रेट हो किसी चीज़ का, कि भाई ये ना लेकर मुझे वो ले लेनी चाहिए थी। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट मतलब सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस डिसीजन। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अमूमन जब टाटा की गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं तो उनके अंदर एक देशभक्ति भी भरी होती है, तो क्या कहीं से ये भी चीज़ था एक पॉइंट जहाँ पर आपको टाटा ही लेना था? सर देखिए, मैं हो सकता है कुछ लोगों को ये बात सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर वो मेड इन इंडिया कार है तो मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने मेड इन इंडिया कार ली है, मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है, बट मेरी हार्ड अर्न मनी है जिसको मैं खर्चने से पहले 10 चीज़ें ज़रूर हर कसौटी पे मैं उसको खरा उतारने की कोशिश करूँगा, कि भाई मेरे पैसे सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मेड इन इंडिया कार है तो मैं आँख बंद करके उसको उस पर डाल दूंगा। अगर वही कोई जर्मन मेड कार या कोरियन मेड कार होगी और वो ज़्यादा अच्छा मेरे को रिटर्न दे रही होगी तो मैं उसके लिए भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो मैं उस पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं लंबी रखना चाहता हूँ गाड़ी। मैं ये नहीं कि 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद मैं चेंज कर लूँगा, तो मैं उसको लंबी रखूँगा और तो मेरा डिसीजन जो है वो उस पर बेस्ड होगा। तो ये सर का जो संदेश है ना, ये आपके लिए भी संदेश है, सिर्फ इसलिए गाड़ी मत खरीद लो कि किसी ने लॉन्च की हो देशभक्ति वाला काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गाड़ी खरीदनी है, आप अपना पैसा लगा रहे हो, जहाँ पैसा लगाते हो वहाँ पर देशभक्ति नहीं, आप अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हो या नहीं, इससे इसकी गारंटी देनी जरूरी है, नहीं तो आप अपने साथ चीट करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये अलग सा कस्टमर रिव्यू इस नेक्सॉन XMS का पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है भाई जी, से कोई सवाल करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आओ, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, सवाल करो, सारे जवाब दे जाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू।